में मेरे हाथ में क्या है? अलादीन का चिराग। आप सोच भी कैसे सकते हैं, मेरे हाथ तो खाली हैं। चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का। मेरे हाथ इसलिए खाली क्योंकि मैं मार्केट गया था और जितनी महंगाई हो गई खाली हाथ आना पड़ता बाजी। अच्छा। और इतनी महंगाई हो गई कोई चमत्कार ही हमें बजा सकता है। हाँ। पैसे वाले लोग जो होते हैं वो परवाह नहीं करते घर में क्या पड़ा है क्या नहीं, वो चुपचाप ऑर्डर करते हैं, आई वुड लाइक टू हैव एन ऑमलेट। गरीब आदमी ऑर्डर नहीं कर सकता पिज्जा पेपरोनी। गरीब आदमी बाहर जाएगा ना पीछे से बीवी बोलती है मैंने तेरी हरी मिर्ची ले आना। गरीब आदमी को हर एक चीज एक एक बारीकी से पता होती कौन सी काय को ले आऊं, दो हरी मिर्चें पड़ी हुई है फ्रिज में। अरे वो तो सूख गई। हाँ तो सूख के मिर्ची रहती वो कौन सा टमाटर बन जाती है। और वाकई हमें महंगाई से कोई चमत्कार ही बचा सकता है पाजी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी चमत्कार को नमस्कार। शुक्र है आपने कोई कहावत सुनी भी है, नहीं तो आपने ज्यादातर बोलनी है। हर बंदा यही चाहता है कि घर बैठे करोड़ों रुपए आ जाए, कुछ करना ना पड़े। शादीशुदा लोग तक देख लो, शादियां कर लेते हैं, दो दो बच्चे, काम करने का दिल नहीं करता, घर बैठे सोच रहे लॉटरी लग जाए मजा आ जाए। लॉटरी तो लगती नहीं, बच्चे 2 से 3 हो जाते हैं क्योंकि सारा दिन घर में रहना है, करना ही कुछ नहीं तो। हम इंडियन लोगों की एक और सोच है चमत्कार को लेकर। दिवाली वाले दिन ना गरीब लोग जो होते हैं ना अपना दरवाजा खुला रखते हैं, कहते हैं रात को लक्ष्मी आएगी। दूसरी तरफ अमीर लोग होते हैं वो कभी नहीं ये सब चीजें सोचते, वो दरवाजा बंद करके सोते हैं, बाहर जाएगी, उनको पता है लक्ष्मी तो ऑलरेडी घर के अंदर है। अब गरीब आदमी को समझ में नहीं आता कि वो अमीर लोग दरवाजा खोलेंगे लक्ष्मी बाहर आएगी तो तुम्हारे घर में आएगी, वो तो उनके घरों में। अंग्रेज लोग हमसे 2 कदम आगे, वो लोग चमत्कार का इंतजार नहीं करते, वो लोग काम करते हैं। अंग्रेजों ने भाप निकलती देखी, उन्होंने इंजन बना दिया। हमारे लोग अभी भी इंजन को देखते ना यही सोच रहे थे, ओए भाप कहां से निकल रही है। सोच सोच का फर्क है। अंग्रेजों ने खेत देखे, उन्होंने ट्रैक्टर बना दिए। हमने खेत खुला देखा और कुछ नहीं तो पैंट खोल के बैठ जाते हैं। आपने एक चीज नोटिस की है भाजी, सांप कभी खेतों में बैठे आदमी को नहीं डसता, हमेशा उसी को डसता है जो खेतों में काम कर रहा है, चारा काट रहा है, लेके जा रहा है, जानवर चरा रहा है। बैठे आदमी को कभी सांप नहीं काटता क्योंकि सांप को भी पता है काटने के लिए नजदीक जाना पड़ेगा, नजदीक जाए कौन। अंग्रेज लोग भले इंटेलिजेंट हों, कुछ कामों में हम लोग उनसे भी 2 कदम आगे हैं। अंग्रेज लोगों ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया लेकिन हम लोगों ने मिस कॉल का आविष्कार कर डाला। ये अंग्रेज लोग सोच भी नहीं सकते, हालांकि उनका 24 घंटे दिमाग रहता कि खोज कहां से की जाए। अंग्रेज आदमी मुर्गा देखेगा ना अंडा देखेगा, सोच में पड़ जाएगा, पहले क्या होगा मुर्गा या अंडा। हमारे इंडियन लोग, मैंने शमशेर पाजी से पूछ लिया अपने पुलिस वाले, मैं कहा पाजी आपको क्या लगता है मुर्गा पहले आया होगा कि अंडा? कहते पहले तो हरपाल आया था बोतल लेके, उसके बाद में हमने सीख कबाब मंगाया, मटन ऑर्डर किया, फिर चिकन, अंडा तो हमने मंगवाया नहीं, अंडा कैसे आ गया। हमारे ये जो भाई बंधु बैठे ना इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यही सोचते होंगे कि चमत्कार हो जाए और सब कुछ ऐसे ही हो जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। सोचिए अगर भगवान आपको ऐसा मौका दे दे कि आपकी 2 जरूरी विश मैं पूरी कर दूंगा तो कौन कौन सी मांगेंगे आप, बताइए, आपके पास खुला मौका है। जी खड़ा हो जाओ भाई। सर पहली विश तो ये मांगूंगा कि मेरी बॉडी बन जाए अच्छी। बॉडी बन जाए अपने आप, मेहनत ना करनी पड़े। हाँ। तो ये जो पहले बनी हुई ये भी अपने आप बनी, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है उस पे। ये किस किस तरह की बॉडी बनाना चाहते हैं आप? ऋतिक रोशन की तरह। ऋतिक रोशन जैसी? हाँ। बात रे हैं। एक काम करो ना भाई, अपने जैसा एक और ढूंढो, दोनों मिलके ग्रुप बॉडी बनाओ आप। अच्छा बॉडी बन गई तो क्या करेंगे आप? सर कॉलेज में जाएंगे, ड्यूड बन के घूमेंगे और एक और एक अच्छी सी जीएफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गर्लफ्रेंड। मुझे लगा बॉडी बनाकर मैंने देश के काम आएगा, आर्मी भर्ती होगा, यही सब करा तो वाया घूम के क्यों आ रहा, सीधा क्यों नहीं बोलता भगवान को, सीधी गर्लफ्रेंड ही दे दे आपको। बैठ जाइए आपका शुक्रिया। और कोई हमारे भाई बंधु
जी हेलो सर। हेलो जी। सर मैं एक स्ट्रगलर हूँ और मैं पिछले 8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, गाने लिखता हूँ। 8 साल से गाने लिख रहे हैं? जी हाँ। इतना लंबा गाना लिख रहे हैं? क्या विश मांगना चाहते हैं आप भगवान से? गाना लिख पाऊँ पूरा खत्म हो जाएगा ना? कुमार सानू जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी। और मैं उनके लिए गाने लिखना चाहता हूँ। क्या क्या लिखना चाहते हैं कुछ बताइए। सर मैंने लिखा भी है थोड़ा बहुत। अच्छा। मुन्नी हो या सीला? सीला। सीला। अच्छा। पिंकी हो या बबली बदमाश? अच्छा बबली भी बदमाश। ओके। पिंकी हो या सीला? सॉरी मुन्नी हो या सीला, पिंकी हो या बबली बदमाश, हो जाओ सब मेरी, नहीं करूंगा किसी को निराश। जो आवे सो राजी जावे। शीला मुन्नी सब चाहिए हैं? हाँ। शीला मुन्नी के लिए तुम अकेले बचे हो, टॉम क्रूज हैं? दूसरी विश क्या है आपकी? मैं ही मांग लेता हूँ आपकी तरफ से भगवान को। दूसरी विश इनकी ये है कि इनको गाना लिखना आ जाए। क्यों सर ये अच्छा नहीं था? है? अच्छा नहीं था जो लिखा था मैंने? नहीं, पूरा आप जावेद अख्तर साहब को टक्कर दे रहे हैं पूरी। क्या नाम है ब्रदर आपका? संगम शर्मा। शर्मा जी कहाँ से आए आप? प्रतापगढ़ यूपी। प्रतापगढ़ से? जी। अरे वाह। मुझे एक बात बताइए शर्मा जी। जी हाँ। ये जो यूपी वाले होते हैं ये श को स क्यों बोलते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आता। सर आप जैसे जानते हैं कि हर 20 किलोमीटर बाद लैंग्वेज चेंज होती है। जी। तो ये अपने इंडिया में नहीं, कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन चेंज हो ही जाता है। पर नहीं, वर्ड तो वर्ड होता ना। अब सेब को सेब ही कहेंगे, सेब को केला तो कहेंगे नहीं। तो श को स कैसे? सर ये एक्सेंट प्रॉब्लम होता है, जो बचपन से जैसे बोलते रहते हैं ना तो वो हैबिट बनी रहती है। तो ये 20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदलने वाला चक्कर है। आपने ही कहा था सर। घर आप 20 किलोमीटर पहले ले लीजिए आप। आपका शर ठीक हो जाए। चलिए खैर, भगवान आपकी विश पूरी करे। और कोई हमारे भाई बंधु? जी हाय। हाय जी बाजी। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। है जी? पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। क्यों? अच्छा पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, ये आपकी विश है? मेरी विश है। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताइए। CHSL। कड़क गया बाजी। इतनी देर में तो फ्लाइट निकल जाएगी। कैसे? मेरे को तो नहीं आती, आप बता दीजिए। आपको मैंने थोड़ी कहा मैंने दुनिया घूमनी है। मैं क्यों बताऊं स्पेलिंग आपको? कहाँ कहाँ घूमना चाहते पाजी आप? कौन सी कंट्री में? थाईलैंड। हैं? थाईलैंड। आप घूमना नहीं चाहते, इरादे आपके कुछ और हैं। वैसे क्यों घूमना चाहते हैं दुनिया सर आप? मैंने सोचा कि दुनिया के गोल है तो एक बार घूम के देख लेता हूँ मैं। गोल तो चपाती भी उस पर घूम लो आप। पाजी कह रहे दुनिया गोल है, दुनिया कह रही आप गोल है। पारी शादी तो हो गई आपकी? शादी हो गई है। अब क्यों जाना थाईलैंड? मसाज कराने के लिए। मजा करने के लिए? मसाज के लिए। कहाँ ये कहाँ से सुना था? मेरे दोस्तों से। मेरे दोस्तों से। अच्छा बाकी चौकड़ी भी ऐसी ही सारी है। यहाँ पे करवा लो किससे, 5 घंटे की फ्लाइट लेके जाओगे इतनी दूर? यहाँ पर नहीं होती। होती तो है, आपका दिल नहीं करता करवाने का। भाभी करेगी आपकी सैंडविच मसाज घर जाके। चलिए थैंक यू सर, शुक्रिया, मेहरबानी। चिराग है, वो मेरा दोस्त है ना, चरणदास कबाड़ी वाला। हा? उसने मुझे गिफ्ट दिया है। हाँ इसे यूं घिसेगी ना, कचर 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 कचर, इसमें से जिन निकलेगा। जिनका तो पता नहीं, मेरे को उल्टा करे थे, बहुत कारम जरूर निकलेगी तेरी हरते ऐसी सारी। काश ऐसा होता, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, इसमें से जिन निकलेगा, फिर हम उसे जो भी मांगेंगे ना हमें मिल जाएगा बिच्चू। क्या बात कर रही है, हम लोग अमीर हो जाएंगे। ओ या या, इसका मतलब हम भिखारियों के सामने सर उठा के चल सकेंगे। हाँ बिच्चू। निकाल दादी दुआ, जिन निकाल। सच यस, सच यस। हम अमीर हो जाएंगे, फिर पानी की टाकी में दारू, नल में दारू, सुबह जो लोटा लेकर जाएंगे उसमें भी दारू।
की जगह चखना रख लेना तू। शर्म नहीं आती तेरे को ऐसी हरकत करती है? मुझे लगता है दादी तूने ना ज्यादा घिस दिया, मसाज हो गई, जिनकी मजा आ गया सो गया वो। नहीं नहीं निकलेगा, सबर कर निकलेगा। इसमें से भी थाईलैंड वाला जिन बाहर निकले। लगता है चरणदास ने मुझे झूठ बोला। I hate you चरु, हट। बोलो भाई। बोलो भाई। कितना बोलेंगे अब, तुम भी बोलो। कौन है तू, हंस क्यों रहा है? हाँ वो हम जेना है, और हमारी एंट्री हंसने के बिना नहीं होती है, वरना पता कैसे चलेगा कि हम जेना है। एक सिंपल सी बात है सिद्धू साहब। अब मुझे तो बाबा जी का टुल्लू लग रहे हो। ए, तू जिन कैसे हो सकता है? जिन तो चिराग से निकलते, तू तो घेर से निकला है। आज भी तुम शक्ल से बहुत समझदार लगते हो, लेकिन हो बेवकूफ। एक चीज देखो तुम, इतना बड़ा जिन इस बोतल में कैसे घुसेगा बताओ? कैसे घुसेगा इस बोतल में? आप कोई इंसान घुस के दिखा दो इसके अंदर भाई। पॉसिबल नहीं है, मैं अपनी दाढ़ी कटा दूंगा। पॉसिबल ही नहीं मेरे भाई। एक बार क्या हुआ था, मैंने चिराग के अंदर घुसने की कोशिश भी की थी। हाँ। ऐसी बात नहीं है, मैं जैसे तैसे ऐसे करके ऐसे करके ऊपर घुस के बैठ गया। 2 महीने तक बैठा रहा। फिर किसने घिसा मुझे, तो फिर मैं बाहर निकला ना, तो मेरी जो शेप थी ना वो ऐसे हो गई। मैं ऐसे ऐसे करके चल रहा था, ऐसे ऐसे करके बिट्टू, ऐसे ऐसे करके चल रहा था। लोग सोच रहे थे स्विमिंग पूल तो है नहीं, ये डाइव कहाँ मार रहा है। सोचने वाली बात है, इतना लंबा डायलॉग बोल के मुझे थोड़ी सी प्यास लग गई, मैं पानी पी लेता हूँ। खुल जा भाई, ओए बड़ा टाइम खोटी करता है। मैं तुझसे कह रही हूँ जो मांगना है मांग लेते, सबसे पहले मैं एक मैं मांगती हूँ। इससे अपना सामान नहीं खुल रहा, हमारी किस्मत क्या खोलेगा ये? इसमें तेल नहीं दिया ना। अच्छा, चेनू जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे है ना ड्यूल सिम कार्ड वाला मोबाइल दे दो। ये क्या होता है? मोबाइल के लिए मेरा मोबाइल, जिससे सुबह सुबह दूध निकालते हैं। दूध तो भैंस से निकालते हैं। क्या बात कर रहे हो, भैंस तो फोन करने के काम आती है। अबे तुझे मोबाइल का नहीं पता, तू कहेगा जिन्हें में नंगू। ये हमारे वस्त्र हैं, हमें नंगू वगोड़ ही कहना। देखो हम थोड़े पुराने जमाने के जिन हैं। क्या है कि हम तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए आए थे। हाँ। कि पता है मार्केट में एक नया बिस्कुट निकला है। हाँ। हार्ले जी भाई। हाँ। बहुत सवाल है। बहुत अच्छा। दादी को मैं खाने की जरूरत है। हाँ जी। बिट्टू को खजाने की जरूरत है, मगर इस जिन को देख के लगता है इसे तो खुद खाने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगा था पैखाने की जरूरत है बोलेंगे आप। ओहो, अरे तू कौन से बिस्कुट की बात कर रहा है? हार्ले जी बे। हार्ले जी तो कई सालों से आया हुआ है, उसमें फोटो नहीं देखी तूने? औरंगजेब की फोटो लगी यूं करके। कई सालों से आया हुआ। दादी ये तेरा जिनमें गलत है, इसको तो हार्ले जी बिस्कुट का नहीं मिला। कहां से उठा रहे थे उसको? अरे बिट्टू सफर कर, तू समझ नहीं रहा है, पुरानी चीजों की भी तो कीमत होती है ना। हाँ, नई चीज करता रहता है। जीन, बोलो, इसकी बातों का बुरा मत मानो, ठीक है? अच्छा एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए ताजमहल ला दो। देखो भाई ताजमहल तो ला देंगे, लेकिन 11 महीने का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 11 महीनों का एग्रीमेंट? व्हाई भाई? अगर लंबे टर्म के लिए तुम्हें ताजमहल दिलवा देंगे, तुम्हारा सालाना जो कमीशन होता है वो मर जाएगा ना, वो बहुत सोचने वाली बात है। अबे तू कमीशन लेता है, तू जिन्ने के प्रॉपर्टी डीलर है बे। जिन्नों का भी पेड़ होता है, उनको भी भूख लगती है, एक बात समझ लो। उनको भी अपना घर चलाना होता है कि नहीं होता है? क्यों भी मेरे बैंड वाले दोस्तों, नहीं तो हमारा तो बैंड बच जाएगा। और सबसे बड़ी बात,
मेरे को 10% कमीशन दलेर मेहंदी साहब को भी देना होता है। दलेर मेहंदी साहब तुमसे क्यों कमीशन लेते हैं अभी? भाई शाहजहां की तरफ से वो डील करेंगे ना। शाहजहां की तरफ से वो क्यों? हो सकता है, देखा नहीं उन्होंने शाहजहां और दलेर पाजी दोनों सेम तरह के तो कपड़े पहनते हैं। हाँ हाँ, बहुत इंटेलिजेंट बाल रही है। वैसे मेरी सिंगरों के साथ बहुत बनती है। एक वो सिंगर है अनूप जलोटा, बहुत अच्छे सिंगर है। उनके साथ मैं 2 साल रहा हूँ। अच्छा। बड़ा मजा आया, लेकिन वो थोड़े भुलक्कड़ है। एक बार क्या हुआ, एक रिसेप्शन पे होटल की, वो अपना जलोटा भूल के चले गए। अबे जलोटा नहीं, लोटा होता है, लोटा। जलोटा हमें भी पता है लोटा होता है, लेकिन अगर लोटे में जल हो तो वो जलोटा होता है। ये तेरा जिन नकली दादी कुछ नहीं करवाएगा। ये ऐसी बात नहीं है, हम में बहुत शक्तियां हैं। समझाई? हम इंसान को उसके पिछले जन्म में भेज सकते हैं। भेजू तुमको? बोलो सच, आप किसी को भी भेज सकते हो? हाँ हाँ बिट्टू, एक आइडिया। जिन ओए गुदगुदी होती है जिन, मजा मत लो। अच्छा जिन, एक काम करो बिट्टू, हमारा नौकर है ना नौकर, उसको भेज देते, कम से कम पता तो चलेगा क्या पिछले जन्म में था क्या। जिन ओ मेरे को गुदगुदी हो जानी है। सेंड इट दो। अभी तक हो रही है गुदगुदी। हाँ लो जी, डिसाइड कर लिया है भी। हाँ भेजिए भेजिए उसको पिंचर में भेजना। गो गो। इतना बड़ा ये कहाँ से आया? ये साउंड इफेक्ट है। खबरदार, अगर अगली बार असामी जी दिया तो एक जिन की एक घर में इतनी इंसल्ट नहीं होती सकती। हाँ बिल्कुल नहीं, असामी जी दिया। पता नहीं क्यों लग रहा है ये म्यूजिक देगा। मौली ने फिल्म देखी मेरा नाम जोकर। चलो जाए पिछले जन्म में नौकर। बिट्टू सच में हमारा नौकर पिछले जन्म में चला गया, अब तो यकीन वही जीन है। इसका पता नहीं मेरे को, लेकिन इसका यकीन हो गया ये पिछले जन्म में कुत्ता ही था। हेलो, इसलिए अभी जब कुछ मंगवाता तो काटने को दौड़ता है। अरे कुत्ता किसको बोल रहे हो? पाजी कुत्ता बोल रहा है। इंसानों से ज्यादा एनर्जेटिक होता है कुत्ता। सही है, इंसान छींक मारे आधा घंटा लगा देता है। बस यार बस बस, टैबलेट लो अभी और काम नहीं होगा। कुत्ता कुत्ता टेंशन नहीं लेता, एंजॉय में छींक निकाल देता है। बहुत अच्छे। कुत्ता बहुत इंटेलिजेंट होता है, ऐसे कहते रहते कुत्ता कुत्ता कुत्ता। कुत्ते जितना इंटेलिजेंट होता ही कोई नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। कैसे? मोहल्ले में जोगी आते ना, कचरा उठाने वाले आते हैं, उनके हाथ में छड़ी होती है, छोटी होती है ना, डंडा होता है। कुत्ते को ये भी पता होता है कि ये उसको मारेगा, डंडा उसको पड़ेगा, लेकिन उसको भोंकना भी है, तो फिर कैसे बिहेव करता है ऐसे कुत्ता? ऐसे बैठा जैसे जोगी आ गया, अब डरना भी है भोंकना भी है। बातें करते हैं पाजी, कुत्ता कुत्ता बोलते हैं। कुत्ता पाजी, लेकिन कुत्ता होना चाहिए अमीर का। क्या बात है, हर तरह की फैसिलिटी होती है घर में, इतना अच्छा माहौल होता है, चिकन होता है, मटन होता है, प्रॉब्लम कोई नहीं, भौंकता ही नहीं है। घर की बेल बजे टिंग टांग, कुत्ता मालिक का मुंह देखता है, हाँ जी बाहर कोई आया क्या करना है।
मालिक जाके दरवाजा खोलता है और हमारे गरीबों के कुत्ते वो घंटी बजा सही टिंग टांग मालिक क्या था टॉमी टॉमी भाई बहुत अच्छे मालिक इंट्रोड्यूस करा रहा था टॉमी या चाचा ही भाई बहुत अच्छे ये कुत्ता बोल रहा है कुत्ता एक बात बताओ मेरे को जब ये लोग तुम गाड़ी के पीछे भागते हो गाड़ी खरीदनी तो होती नहीं तुम लोगों को पीछे क्यों भागते हो एक्सरसाइज नाम की भी कोई चीज होती है बहुत अच्छा हो गया एक काम करते इसको हमें ना पुलिस बॉम्ब स्क्वाड में शामिल कर देते वहां ये बॉम्ब सूंघता रहेगा और पैसे कमाता रहेगा और हम इसके पैसे पे ऐश करेंगे कुत्ता बनाऊं मैं गधा नहीं बनाऊं ऐश करेंगे हेलो यार फटाफट से मेरे को ना दोबारा से राजू बनाओ फटाफट काट रहा मत चौदह टीकों से डर लगता है देखो मैं तुम्हें राजू बना सकता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है शर्त यह है कि दो और इंसानों को पुराने जन्म में जाना पड़ेगा क्यों ऑफर चल रहा है ना बाय वन टू गेट फ्री ये है अच्छा अगर ऐसा है तो एक काम करो एक फ्री मुझे भेज दो रहने रहने को मत भेजना कहीं पिछले जन्म में तो मुर्गी निकली सारे घर में अंडे दे दे के दिमाग खराब कर देगी बहुत अच्छे बहुत अच्छे एक काम करो बुआ को भेजो ना पिछले जन्म में ओया क्या बोले पिछले जन्म में शादी हो जाए इसकी ठीक है बैंड वाले का तूने इफेक्ट दिया तो देखना मैं जूती मारनी है करना दे उसको उसकी जिंदगी का सवाल है भाई मालिक को मिल गया कुआं पिछले जन्म में चली जाए भुआं बहुत अच्छे मेरे को लगता भाई इसी चिड़िया को देखकर कहावत बनी होगी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत बैल समेत बिट्टू मुझे चिड़िया किसने बना दिया ची 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 अरे मेरे इस चीज ने तुझे चिड़िया और इसे कुत्ता बना दिया अरे इसका क्या ये तो है ही कुत्ता देख के मेरी चोंच पीली करा दे अगर अभी मेरी शादी नहीं हुई ना तो फिर कभी नहीं होगी ची 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 ए बुआ चिड़िया कौओं में शादी थोड़ी ना होती है टाइम देख के घुस जा किसी के भी घोंसले में ए इनको वापस बुलाओ ना यार अपने जन्म में ऐसा नहीं होगा किसी एक और इंसान को पिछले जन्म में भेजना पड़ेगा या फिर सिद्धू साहब को उनके बचपन में भेजना पड़ेगा क्यों भाई माली ने उगाया बाग में कद्दू बचपन में चले जाएंगे सिद्धू बुरा ठोको ताली और चक दे पट्टे नब दे गिल्ली सुबह को स्कूल शाम को मिली छुट्टी और ठोको ताली ठोको ठोको सिद्धू जी आपने मुझे पहचाना ओए गुरु तू कौन है मोहतरमा आई एम किरी शर्मा 22 ईयर ओल्ड ओ गुरु छा गए गुरु तुम्हारा नाम चिड़िया है शेर आंस करूं यस 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 जब से पैदा हो बड़ी ऐश की है जब से पैदा हो गुरु बड़ी ऐश की है नाम तेरा चिड़िया है बॉडी तेरी भैंस की है वाह
वही मुकर्रर हूँ, वही मुकर्रर हूँ। वाह वाह वाह। ए चुल्लू पर पानी में डूब जा, तेरी बच्चे ने बेइज्जती कर दी। बहुत अच्छी। सिद्धू पाजी, मेरे को इस जिन्नी ने कुत्ता बना दिया है। ये तो कमाल हो गया गुरु। अरे तू दोनों जन्म में सेम सेम ही रहा है गुरु। कुत्ते पे एक शेर अर्ज करूं पाजी। ठोको। रुत बदली बदले मौसम बदल गई सत्ता। रुत बदली बदले मौसम बदल गई सत्ता। अरे सब कुछ बदल गया, तू कुत्ते का कुत्ता ही रहा। है। पहले बचपन से ही ठोको ठोको चल रहा है, है? सेम टू सेम। सिद्धू साहब आप बचपन में भी ऐसे ही थे। वाह वाह। ए जिनके बच्चे, ये क्या बना रहे तुम सबको? सबको वापस जन्म में लेके आओ, सबको सही करो सबको। जिनके बच्चे नहीं है भाई, हम जन है पहली बार। हाँ तो ठीक करो, सबको बिगाड़ के रख दिया तुमने। माय मिस्टेक भाई, माय मिस्टेक। क्या एक बात तो मानी मैं भूल ही गया। क्या वो क्या था कि टोटल चार विशेष थी। हाँ। तीन तुमने मांग ली, एक रह गई। हाँ। या तो इनको वापस इस जन्म में ले आओ। हाँ। या फिर कुछ और मांग लो, बोलो। और क्या मांगू? 1 करोड़ रुपए मांगू, दे दोगे? हाँ तो ठीक है, भाड़ में जाए, 1 करोड़ रुपए दो। वेरी गुड। हाँ ये देख, खंभों का सहारा लेता फिरूंगा। वैसे तो बड़ा इटालियन टॉयलेट यूज करता है, दीवारों से खंभे बैठ रहे होते हैं। क्या तो ठीक है भाई, इनको मैं कुत्ते चिड़िया रहने देता हूँ, तुमको 1 करोड़ रुपया दे देता हूँ। यस, रुक जा जल्दी। अब मैं तेरी ऐसी जगह काटूंगा जिंदगी में से जिन अलग और गिरी अलग कर दूंगा। अशांति बिल्कुल पसंद रही। क्या मैं तुम्हारी तीनों विशेष पूरी कर दूंगा, तुमको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, इनको वापस इस जन्म में ले आऊंगा, और तीसरी ठीक है शादी करा दीजिए। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है तीनों विशेष पूरी करनी है। क्लाइमेक्स का टाइम है, तू हमारे मन से मजाक कर रहा है। माली को मिल गया मैंगो ट्री। 1 2 3 सिद्धू भाई जी, हुकम। हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे, मर रहे हैं लोग पैसे के लिए, जमीनों के लिए, पता नहीं दुनिया को कल कब आएगी। मैं दूसरों की बात क्या करूं, मेरे तो अपने घर में ये हाल है। होता है, हर किसी के घर में चलता है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि काश दुनिया में से सब लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, वॉर्स खत्म हो जाएं, सब मिलजुल के प्यार से रहे। हाँ। हम चाइना जाएं, उधर हमारी माएं बहने रहती हों। हाँ। चाइना वाले इधर आएं, इधर हमारे इनके रिश्तेदार, इधर मिक्स मिक्स हो। लवी 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 लवी। ये मेरे ही विचार नहीं, ये सेम विचार हमारे उन सेलिब्रिटीज के भी हैं। हाँ। जो आज यहाँ पे हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियां स्वागत करिए एक बार जावेद जाफरी और सोहा अली खान के लिए। गले
लोगों। बिल्कुल, मैं आपका कसम से इतना फैन हूँ, आपका बोलने में जो फ्लो है, आपका जो डांस में फ्लो है और लोगों की आवाजें निकालने में अपना फ्लो है, बाप रे, ऐसी बहुत सारी चीजें एक इंसान में बहुत कम होती हैं। फ्लो होना चाहिए, वो नहीं होता। और सोहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको मैं पहली बार आज देख रहा हूँ। आप तो बड़ी छोटी सी हैं। मैं छोटी सी हूँ। इतना सी मतलब फिल्म में फिर भी है। नहीं, काफी छोटी सी हैं आप। वेलकम टू कॉमेडी नाइट सोहा। सोहा ने बहुत कम समय में जितनी भी फिल्में की हैं, उन फिल्मों में सोहा ने अपने काम का लोहा मनवाया। जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। और जी बाजी, इनकी फिल्म में एक पैगाम है जी, कि खून का दरिया जरा मोड़ना यार, मोहब्बत से दिलों को जोड़ना यार, कह रहे हैं सोहा और जावेद अब तो वॉर छोड़ना यार। जावेद सोहा, ये जो आपकी फिल्म का नाम है वॉर छोड़ना यार, ये इंडिया की पहली वॉर कॉमेडी फिल्म है। तो वॉर कॉमेडी मतलब मैं समझा नहीं, मतलब क्या गोली मार मार के पहले चुटकुले सुना रहे हैं फिर मार रहे हैं, क्या होने वाला है? आजकल का जो मूड है मजाक में लोग बेहतर समझ लेते हैं जी। तो मैंने कहा चले यार मजाक में एक सीरियस बात कहो, ताकि मजाक का मजाक हो जाए, लेकिन जब घर जाएं तो एक सोच साथ में रहे कि नहीं यार बात तो सही कही, हंसाया लेकिन कहीं जाके फंसाया कि पॉइंट क्या है। जोरदार तालियां सर, और आप प्लीज यहां पे विराजिए, आपका अपना घर है आराम से। ये किसकी नाइटी पहन के घूम रहा है? चल काम हो रहा है यहाँ पे। पाजी, हाँ जी, यही होती है गरीब लोगों की पहचान। हाँ। अमीर बंदे को पहचानते नहीं है ये। शहंशाह को, कल किधर शहंशाह? इन लोगों ने मेरे को पहचान लिया है। पहचाना? आप इनके नौकर है ना? हो गई गिरगिरी। धन्यवाद, आपसे यही उम्मीद थी। आपसे भी यही उम्मीद थी। खैर, बड़े लोगों की क्या बात होती है, आपको क्या पता लगे। मैं बताता हूँ, ये है, हेलो, तुम्हें बता रहा हूँ, ये है सोहा, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये है सोफा, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और मैं हूँ, शाही फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कौन सी शाही फैमिली में? बाप तेरा सड़क पे शाही पनीर बनाना बेच रहा 15 रुपए की प्लेट। कौन सी शाही फैमिली में? ये इस जन्म में बेचते हैं शाही पनीर। पिछले जन्म में हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। हम राजा थे, हमारा नाम था राजा चुनुमल और ये हमारी राजकुमारी थी। ओए होए, मैं आपकी राजकुमारी थी? हाँ, राजकुमारी सुहानी। आपको पता है हम दोनों की शादी होने वाली थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो तो ऐन मौके पे सिद्धू पाजी हमें शेर खा गया। अब पूछो कहाँ मिला शेर हमें? कहाँ मिला आपको शेर? मिला नहीं, बकायदा उसे मंगवाया गया था। वो हमारे पिताजी की जिद थी कि आम बारातें घोड़े पर जाती हैं, हमारी बारात शेर पर जाएगी। तो क्या इतना बदतमीज शेर? जैसे ही हम इनके यहाँ पहुंचे, पीछे देखा 18 बाराती है नहीं, 3 बैंड बाजे वाले गायब है। शेर तो उनको बैंड बाजे वालों को ट्रम्पेट के साथ ही खा गया। और जैसे जैसे शेर दहाड़ता था, मुंह से ट्रम्पेट की आवाज निकलती थी। अच्छा, मैं सोच रहा था पीछे बारात नाच रही है, मुझे क्या पता शेर खाना खा के डकार मार रहा है। अभी क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझसे शादी कर लें, क्योंकि मैं इन्हें रानी बनाकर अपने शीश महल में रखना चाहता हूँ। कौन सा शीश महल? शीशा है तेरा मुंह देखने के लिए? बर्तन उल्टे कर करके मैंने बाल ठीक करता। जस्ट गेट लॉस्ट विद योर ओल्ड टाइप ऑफ नाइटी। सर, मैं तो अंदर झाड़ू लगा रहा था जी, वो तो ये कपड़े हाथ में लग गए और इनको इंप्रेस करने के लिए आ गया मैं। इनको इंप्रेस बाद में करना, पहले जाके अंदर मेरे कपड़े प्रेस कर। चलो, अगर अगले जन्म में आप नवाब बन जाए तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। इस जन्म में तो वो फिट हो गया वो स्लॉट, लेकिन हमें बावर्ची की जरूरत है। अगर वो करना चाहे तो आप। नहीं, मैं जा रहा हूं। सोहा जी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट शाही काइंड ऑफ बदतमीजी। लेकिन हमने एक और चीज सुनी कि आप बैंक में भी जॉब करती थी। जी हाँ, बिल्कुल। वाओ, एज ए क्या बैंक में काम करती थी? एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर। जो बहुत अमीर लोग थे वो इनके इन्वेस्टमेंट्स संभालती थी।
जिनको पता नहीं होता कि अपने पैसों से क्या करें। मैं उनको बता देती हूं। ये करो। अमीर लोगों को वाकई में नहीं पता, इतना पैसा देता भगवान समझ में नहीं आता कहाँ खर्च करें उनको। फिर उल्टी सुल्टी जगह पे खर्च करते हैं और टीपू सुल्तान की तलवार खरीद लेने के 60 लाख रुपए में। अरे कभी कभी तो कच्चे खरीद लेते $1 मिलियन में। ये करते हैं बड़े बड़े लोग। एनीवेज, आपने बैंक से शुरुआत की, उसके बाद में आपने खुद अपनी मर्जी से अपना करियर चुना, फिल्मों में आई। तो ये सब करते वक्त आपके दिमाग में कभी आया था कि आप एक दिन कॉमेडी नाइट्स में आएंगी? एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस शो की बहुत बड़ी फैन हूँ और इस शो से पहले आपकी फैन थी मैं, और मैंने सोचा कभी नहीं कि ऐसे होगा मेरे साथ, लेकिन आज हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। देखिए शाही खानदान हमारी तारीफें कर रहा है। पिट्टू वाह, मैंने सुना सो आई है। नमस्ते बुआ जी। जुबीन। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू, वेलकम टू यू। अब मुझे बाहर ले जाएंगे क्या? नहीं, गले लग रही हूँ आपके। मुझे ना आपसे बात नहीं करनी। वो कौन सा मरीज आ रही तुमसे बात करने को? उसने एक बार भी हेलो नहीं किया तुम्हें। मैंने किया क्या? बुआ, कोई मेल एक्टर आता है तुम्हें बुआ बोल दे, तुम नाराज होती हो, समझ में आता है? वो बेचारी भूल जैसी बच्ची, उससे क्यों नाराज रही तू? सिद्धू जी, कैसे मैं नाराज नहीं हूँ? क्या हो गया? आपको पता है इनके जो भाई साहब है छोटे नवाब सैफू, लव लेटर्स मुझे लिखते रहे और धोखा दे दिया मुझे, करीना कपूर से शादी करा ली। एकदम रॉयल फैमिली की लगती हूँ मैं। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। सैफ आपको चिट्ठी क्यों लिखेंगे? उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रेम चोपड़ा साहब तुम्हें आंटी बुला रहे थे। सैफ अली खान क्यों चिट्ठी लिखेंगे तुम्हें? बिट्टू, प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ। ये देखो, मैं तो चिट्ठियां भी लाई हूँ, थोड़ी उर्दू में लिखी है, वो तो समझ में नहीं आई, हिंदी में आई। उर्दू में जावेद अख्तर साहब ने तो लिख दी तुम्हें। सिद्धू जी, हाँ जी, दिल चाहता कि शूटिंग जब गोवा में हुई थी तो उन्होंने मुझे लव लेटर लिखी थी, मैं आप सबको पढ़ के बताती हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। माय डियर पिंकी, वाह, तुम रोज मुझे याद आती हो, वाह। जब भी मैं नारियल का पेड़ देखता हूँ, नारियल देख के तुम मुझे याद आती हो, वाह। जब समंदर में मैं बेल मछली देखता हूँ तब भी तुम मुझे याद आती हो, वाह। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, वाह वाह वाह। प्रूफ है मेरे पास। नीचे नाम नहीं लिखा ना, कहाँ? सारी चिट्ठी मन से ही पढ़ गई तू? ओ, चिट्ठी में नाम नहीं लिखा, लेकिन वाह वाह वाह। उसी से ही हो जाता ना सारे। देख, देख, देख तू पढ़ के देख। हाँ ठीक है, लिखा है बुआ 78 साल की हो गई, वाओ। और ये वाओ वाओ नहीं है, ये नीचे लिखा हुआ आओ, आ, अरे शक्ति कपूर की चिट्ठी है। सारा मूड ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, इधर आइए जावेद जी, आप मेरा मूड ऑन कर सकते हो। ऐसा कीजिए, आप ना मुझसे शादी कर लीजिए। वो मेरी हो चुकी है। तो क्या हुआ भाई? देखिए, आप 4 के बराबर हैं। मेरी 1 हो चुकी है, आपसे करूंगा 5 हो जाएंगी। अभी तो कह रही थी बड़ी फैन में जावेद की है। वाह, क्या लड़की है, वाह। बुआ, हमारे हिंदुस्तान के इतने मशहूर एंकर, एक्टर, कॉमेडियन, सब कुछ करते हैं ये, शादी के अलावा डांस करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। चलो ठीक है, फिर मैं इनको एक मौका और दे देती हूँ। देखिए जी, इस 22-year-old हॉट और सेक्सी लड़की के साथ थोड़ा सा डांस कर लीजिए, कमर ही मटका लीजिए थोड़ी सी। और क्या कर रहे हो, थोड़ा बजा दो ना, क्या पता पार्टी जाए।
अब बताओ करण इतने रखा हुआ है फट गए। इतने फास्ट डांसर आदमी शादी करो ना, जान जाके मार देगा तुम्हें। कोई बात नहीं, मुझे सब मंजूर है। सुनिए जी, मुझे लगता है आप डांस कर करके थक गए हैं। वो पीछे जाएंगे ना तो सेकंड वाला जो रूम है वो मेरा बेडरूम है, नॉक किए बगैर ही आ जाइएगा। ये बचपन से ऐसी है तो सही। आपकी मम्मी की सगी बहन है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे डैडी की सगी बहन है। इतनी जिद्दी है ना, डैडी पैदा होने वाले थे उनको रोक के खुद पहले आई। तो थोड़ी है इसमें। जावेद भाई, दुनिया में कितने सारी लैंग्वेजेस हैं? अपने भारत को ही ले लो सर, हर 20 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। जैसे हरियाणा वाले होते हैं, उनसे आप कभी टाइम पूछ लो तो वो बता देते हैं, लेकिन लगता है ऐसे जैसे भड़के हुए हैं। हाँ। किसी को साइड पे होने के लिए बोलते ना, भाई साइड पे जा, आपका दिल्ली छोड़ दे, हरियाणा से निकल जाए। पंजाब वालों का लहजा अलग होता है, यूपी वालों का अलग से होता है। हाँ। वो तो चाहे गुस्सा भी कर रहे हो तो बड़ी प्यारी लगती भोजपुरी। हाँ। कहा टकर टकर देख रहा है। जावेद भाई, आपको क्या लगता है कि ये भाषा जो है ये इससे कोई मिसकम्युनिकेशन होती है? ये भी एक कारण है कि हम लोग एक दूसरे से खींचे खींचे रहते हैं या ये लड़ाइयां होती हैं जो? हाँ, कभी कभी बात समझ में नहीं आती है तो कुछ लफ्जों का हेर फेर हो जाता है, वो बात करने का तरीका अलग होता है, जबान बोलने का एक स्टाइल होता है, हर एक लय होती है ना। जब चाइना में जाएंगे ले हाउ माचंग फंग दो चंग तोंग सोंग आवा ले हाता सो हाता वा चंग तोंग का मा चो ता संग आवा ता हुई ना ला ले हाउ माचंग दो। उनकी फिल्में भी ऐसी होती है, वो अपनी देखिए कुंग फू कराटे वाली फिल्में होती हैं, ओवर ड्रामेटाइज करते हैं, हाय 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 अब ये चाइना हो गया, अब आप जापान जाएंगे, वो ऐसा लगता है हमेशा गुस्से में होते हैं, उनकी अलग चेहरा स्वीट होता है उनका। हाँ, उनका बड़ा चेहरा। ओए तो आयो तिजन दो जो नहीं हो निश्चिमा दो यो दो क्यों तो सागर तो यो दो ओए कि आई लव यू विल यू मैरी मी। समझ तो सिर्फ आई लव यू ही आया, बाकी तो बाबा जी का ठुल्लू। वही चक्कर है ना भाई, जैसे हमारी बॉलीवुड के जब गाने आते हैं, सपोज एक गाना मेहंदी लगा के रखना, अब यही गाना अगर आप सेम गाना सेम कंपोजिशन में आप कन्नड़ में या किसी और लैंग्वेज में कर दो, तो जिनको समझ में आ रहा है उनको तो मजा आ रहा है, अब जिनको नहीं आ रहा वो क्या एंजॉय करेंगे। नाड़ा किंडर इन द गडरिंग और ठन ठन गडरू, मतलब कुछ भी है, मैं मुझे नहीं पता है, बट होता है ऐसे। पंजाबी भी बड़ा मजे का, आप तो पंजाब के हो जी। बट वो एक मैं गया था एक बार, हमारे थे पापा जी आ गए तो वो बड़े गुस्सा हुए थे, कंट्री में बोल रहे क्या हो रहा है, कुछ भी जम रहा है, करप्शन है, ये पोल्यूशन चल रहा है, बैड न्यूज जहाँ देखो, तो बड़े गुस्से में थे, तो बड़े शुरू हो गए, ओ जी पाजी मैं क्या जी, कंट्री इज गोइंग टू द डार्क जी, नो सॉल्यूशन टू पोल्यूशन, नो इंटरप्शन टू करप्शन। ओ जी अदर डे मैं अपनी बाल कलोनी विच खड़िया सी, बाल कलोनी विच खड़िया सी, तो जो पुलिसमैन सीगा ही केम इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, ते जी राइफल निकाली, बुलेट लोड के ठै फायर किया एवें। ओ जी हरविंदर के सारे च धार से गया जी, इंसिडेंट डेथ हो गई। ओ जी मैनू जी पापा जी इंश्योरेंस भी नहीं मिलिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम हर किसी चीज को अगर पॉजिटिव वे में लें, अगर सामने वाले को हमें ये भी लग रहा है कि ये गुस्से में कुछ बोल रहा है हमें या हमें गाली दे रहा है, तो उसको इसी वे में लो कि नहीं यार ये मजाक की कर रहा है, हमें भाषा समझ में नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से दुनिया में ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वॉर जो है वो खत्म ही हो जाए। एक्चुअली वॉर कन्वर्ट कर, गेम खेल लो ना, क्रिकेट खेल लो यार। सही बात है, क्रिकेट करके डिसाइड कर लो। सही बात है, लोगों को मारने की क्या जरूरत है। ये बड़ा अच्छा आइडिया, क्रिकेट खिलवाओ और खिलवाओ प्रधानमंत्रियों को आपस में। हाँ। हम लोग सचिन को बताने के प्रधानमंत्री। फिर देखना प्रधानमंत्री हट नहीं रहे, कमेंट्री कैसे होगी ना, आर्मी वाला कमेंट्री करे, खड़ा हुआ जनरल प्रधानमंत्री पीछे बैठ गए, प्रधानमंत्री ने दूसरे देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाली, सामने देश के प्रधानमंत्री ने बॉल खींची, बॉल देखी उनको अच्छी लगी, उन्हें जेब में डाली।
जिस बात को लेकर लड़ाई थी वो बात भूल गए, बॉल के लिए झगड़ा चल रहा है। अच्छा लड़ने को किसी का दिल नहीं करता, इधर वाले भी जब होते ना उनको भी जब ऑर्डर आता आप हमला कर दो हमला कर दो, वो भी सोच रहे थे यार क्यों करें हमला, हमारी क्या दुश्मनी है। क्या पता ऐसी बातें भी होती हैं, भाई रहने दे ना, तू चला ना मैं चलाता हूँ, रुको ना, है ना ऐसा होता है, होता है, हो भी सकता है तू चलाता है गोली में चला ढोल रहा है तेरे बाप की कसम अभी मार तुम्हारा। तो खैर ये वॉर के ऊपर बातें प्यार के ऊपर बातें ये चलती रहेंगी। जावेद भाई सोहा बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आप एक एक करके जावेद भाई और सोहा से। जी चांद सा रोशन चेहरा टांट पे चांद सुनहरा। हेलो सर, मेरा नाम रमेश मलिक है। शर्मिला जी हमारी बहुत फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगी क्योंकि ओल्ड इज द गोल्ड। और सर आपको बताना चाहिए गोल्ड के भाव बहुत बढ़ चुके हैं अभी। लेकिन आपने उनको ओल्ड बुलाया उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं मानती है कि वो ओल्ड है, वो एवर यंग एवर ग्रीन लिविंग लेजेंड, वो सब सेफ शब्द है। कपिल जी अगर आपकी इजाजत तो मैं शर्मिला जी के लिए गाना गाना चाहता हूँ। बिल्कुल गाइए सर। उनकी एक पिक्चर आई थी बहुत सुपर हिट थी अमर प्रेम जी, तो उसका गाना जरूर मैं उनके लिए। चलिए हम ऊपर वाले दुआ करेंगे आपकी प्यास जल्दी बुझे, वैसे अब तक बुझ जानी चाहिए थी। खैर मलिक साहब जी आप शर्मिला जी के फैन हैं जी। और शर्मिला जी के करोड़ों फैंस हैं और आज अगर उनकी सुपुत्री यहाँ पर मौजूद हैं तो एक छोटी सी झलक तो होनी चाहिए, बिकॉज शर्मिला जी की झलक तो सोहा में है ही। लोग मुझे भी कभी कभी कहते हैं कि मैं राजेश खन्ना लगता हूँ। सेट्स लगते हैं आप लगता है, बिल्कुल सेट्स लगते हैं। आपने मेरी तारीफ की मैं भी करूंगा, आप भी उत्पल दत्त लगते हैं। क्या बात है, थैंक यू। एक चीज याद आई मुझे, सोहा के जितने भी बॉयफ्रेंड होते हैं ना फिल्मों में वो तकरीबन एंगेजमेंट करवा के मर जाते हैं। हाँ शर्मिला जी की फिल्म में आराधना फिल्म राजेश खन्ना जी उनका भी यही हाल हुआ था ना। बिल्कुल ये फैमिली ट्रेडिशन है आपका। ओह माय गॉड ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, मैंने सोचा ही नहीं। तो एक छोटा सा मोमेंट शर्मिला जी के लिए उनको डेडिकेट करते हैं। सोहा प्लीज यू सोहा एज शर्मिला एंड द ग्रेट कॉमेडियन कपिल शर्मा एज राजेश खन्ना। यस प्लीज। एक बार शर्मिला जी के लिए और राजेश खन्ना साहब के लिए जोरदार तालियां। कपिल भाई यार आप राजेश खन्ना के गाने पे शशि कपूर बन गए। शुक्रिया मिस्टर मलिक। और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा नाम बिस्ना अय्यर है। मेरा सवाल आपसे है कि आप और करीना कपूर जी दोनों ननन भाभी की तरह रहते हैं या फिर बहनों की तरह रहते हैं? ये बड़ा टिपिकल सर, ये टीवी सीरियल वाला सवाल आ गया एकदम। ये टिपिकल हमारी जो इंडियन औरतों के मन में रहता है ना कि हम लोग तो लड़ते हैं, सास बहू नोक झोंक होती है ननन भाभी में,
तो ये नवाब लोग हैं, ये कैसे लड़ते होंगे? भाई भाई मेरे वाली क्रस्टी आप में भी। हाँ जी, अब बताइए जी। नहीं अम्मा, कभी तो कुछ नोक चोक नहीं। अभी उनकी अभी हाल ही में शादी हुई है और बहुत अच्छी है, और मैं उनको 5 साल से जानती हूँ, तो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। और मैंने अब तक तो उनके साथ लड़ाई नहीं हुई है, भाई के साथ बहुत लड़ाई होती है, लेकिन करीना भाभी जी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। शुक्रिया, शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। जोरदार ताले मिसेस अय्यर के लिए। और कोई हमारे दोस्त जी? वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, व्हाइट एंड ग्रीन, शांति और हरियाली एक साथ। Hi Kapil, hi Javed ji, hi Suha. Hello. My question is for Javed sir. जी. Sir, हमारे Bollywood industry में आपको कौन सी actress की comic timing सबसे अच्छी लगती है? मुझे दो अभी तक बहुत पसंद है। पुराने में मधुबाला जी was my favorite comedy timing, और नए लॉट में मुझे दो लोगों की टाइमिंग बहुत अच्छी लगती है, एक रेखा जी और एक श्रीदेवी जी। सर ये तो फिर भी नया नहीं हुआ। नए लॉट में मुझे लास्ट जो बहुत अच्छी लगी थी वो श्रीदेवी जी लगी थी। उसके बाद कॉमेडी की टाइमिंग रिसेंटली है एवरेज, बट नॉट ऑन उस लेवल तक अभी मुझे नहीं मिले कोई नई कोई खास बात। इनके ऑनेस्ट अरे तुमने हेलो एक मिनट कमेंट अरे तुमने खुद कहा कि मुझे पता है कि आपको यहाँ पे चोट लगी है इसीलिए मैं संभाल रही हूँ। तुमने बोला ये फर्स्ट फिल्म है कॉमेडी की तुमने तो आपने काम मेरे साथ में तुमने नहीं कहा किया अरे इमोशनल सीन किया है। हाँ तो इमोशनल सीन तो इमोशनल सीन में कॉमेडी कर दी बताओ। लेकिन आपने देखा तो ना सेट पे आके ना सेट पे देखा था नहीं देखा था कैमरा बंद कर दीजिए अभी लड़ रहे हैं जी आप प्लीज नो वॉर ओनली पीस। हाँ लीजिए इनकी फिल्म का नाम है वॉर। छोड़ना यार अभी आप छोड़ रहे हैं हम। हाँ छोड़िए इतना दिल से जुड़े हुए टाइटल के साथ आधा घंटा भी टिक के नहीं बैठ पाए। क्या यार तुम्हें लड़ाई करवा दी हमारे स्टार की। क्या नाम है आपका? मालविका। चलिए शुक्रिया मालविका, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जी? माय नेम इज हार्दिक एंड माय क्वेश्चन इज फॉर जावेद सर। जी हार्दिक सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। सर आप हम हमारे सबके लिए आप अपने डैडी की आवाज निकाल सकते हैं सर? मैंने सुना है बहुत अच्छी निकालते हैं आप। मैं बहुत चीजें निकालता हूँ। ये तो बनता है, ये तो बनता है। भाई बड़ी देर हो गई आपको नहीं देखा उस रूप में, मैं आराम से थोड़ी देर बैठ जाता भाई प्लीज। एक मिनट, पता नहीं मैंने कुछ बनाया था उनका। सिर्फ अब एक आंसरिंग मशीन बनाई थी कि भाई अगर डैडी की आंसरिंग मशीन होगी तो किस तरह की होगी, तो घंटी बजी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। जी हेलो, अरे हेलो, अरे जितना भी हिलेगा कोई नहीं घर पे मिलेगा। अरे छोड़, अरे बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ना, लेकिन बीप के बाद किसी चीज की आशा ना रखना। अरे बीप आशा, अरे बीप आशा, कहाँ भर रही है मेरी आशा। अरे नो, मैं ऐसा कुछ करता नहीं, मेरा आंख पे बना हुआ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पीछे जो मैडम बैठी हुई हैं, जी पता नहीं शिमले में बैठी हैं, बर्फ की टोपा लगा के स्कार्फ टोपी पहन के मफलर और स्कार्फ। मैम मैम को माइक दे, मैडम को जरा। हां मैडम, मैडम नहीं पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए मैडम। लेह लद्दाख में मौसम कैसा है? हाँ सब ठीक ठाक मैडम। मैडम मैडम शादी की बात नहीं कर रहे हैं आपसे, अभी अभी सुनेगी। अरे बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप, देखो स्माइल आ रही आप ठंडी सांसें ले रही हैं, आपको इतनी सर्दी लग रही है, आप ये टोपा ये जब पहन के आई हैं, ये इसका मतलब राज क्या है बताइए? ओ तिरछी टोपी वाली, बता तो रही है, कहती मेरी दाढ़ में दर्द होता है। क्यों पहना आपने टोपी? और सच में सर्दी लग रही है मुझे, बहुत शौक है इसके लिए। आपको शौक है? आपकी शादी हो गई? दो बच्चे। मैंने क्वेश्चन पूछा आपकी शादी हो गई, उन्होंने कहा दो बच्चे। हाँ, शादी के बच्चों से क्या लेना था? एग्जैक्टली
बच्चे तो ऊपर वाले की देन देन बिल्कुल। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? भाई साहब वहाँ बैठे होंगे। नहीं उनको मालूम नहीं मैं इधर आती हूँ। अरे मेरे पोल खुल गए। हाँ मेरे पोल खुल गए मेरे। अरे पोल आप कौन सा जुआ खेलने आई हैं? फिर खेल रहे हैं हम लोग कॉमेडी कर रहे हैं, मजा आ रहा है। हस्बैंड जी आपकी बीवी यहाँ आती हैं, ये टोपा और ये स्कार्फ पहन के बहुत अच्छी लगती हैं, यहाँ बैठी हुई बहुत प्यारी हंसती हैं और इन्होंने ये टोपा खास आपके लिए पहना है। हाँ। और आगे से आप कभी इनको रोकना नहीं शो में आने के लिए, आप भी साथ आया कीजिए। हाँ फिर बोले अपने हस्बैंड को आई लव यू, बोल रही आप? अरे कहिए ना, दो बच्चे हो गए अभी भी नहीं बोल रही। अपने हस्बैंड को बोल रही है, उनका नाम क्या है? नाम ना, ओनली नाम। शर्मा रही है। उनका नाम राजकुमार। राजकुमार है उनका नाम। ध्यान से देखिए, राजकुमार की बीवी जी जो यहाँ भाजी लेने निकली जी, और गलती से यहाँ पर आकर कॉमेडी शो के सेट पे आ पहुंची। मिसेज राजकुमार के लिए तालियां यार। मैडम तेरे टोपे की 2.5 लाख की बोली लगेगी अब। क्या है सलमान खान क्या देख रही है? ये बाल किसको देख के रखे थे राधे को? आधा इसमें सलमान खान है, आधा शाहरुख खान, ये भी डाला हुआ गले में। डोले इसके मनोज वाजपेयी वाले। जी और कोई हमारे भाई बंधु जो बिना घर पे बोले हुए आए हैं चुप चुपा के? आज से हमने ऑडियंस में बैठ जाया करना, पकड़े जाए सबके सब। जी हाय एवरीवन। हाय 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 कम ऑन एवरीवन। ओके माय नेम इज तरन्नुम मलिक। जी मैं सवाल सुहा जी से पूछना चाहूंगी जी, कि आपको किसकी बेटर कॉमिक टाइमिंग पसंद है? आपको मौका मिला बदला लेने का। सैफ अली खान जी की या कुणाल खेमू जी की? धर्म संकट इसे कहते हैं, धर्म संकट। एक तरफ भाई, दूसरी तरफ किसी और का भाई। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ब्रेक नहीं ले सकते हैं। आप उनसे फोन करके पूछने वाले दोनों से इतना टाइम? देखिए अभी मैं सोच रही हूँ। ये कब एयर होने वाला है? अगले हफ्ते। तो भाई लंदन में होंगे तो कुणाल। आई होप वो रिपीट टेलीकास्ट जरूर देखें। भाई ऑप्शंस रखिए दोनों दोनों का बोल दीजिए, हम एक सीडी कुणाल वाली भाई को भेज देंगे। बिल्कुल भाई वाली कुणाल को भेज देंगे। परफेक्ट थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? देख पलक इधर की तरफ इशारा हो रहे हैं। इधर हाँ चल चल चल। यही है। हाय एवरीबॉडी। हाय डबल बॉडी। अब फिर आगे ना हमें डिस्टर्ब करने? अब्यूज मी, फालतू बात नहीं करनी। हम लोग यहाँ पे ना चंदे की रसीद कटाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे रसीद कहाँ है? उसी के लिए तो चंदा चाहिए, रसीद छपानी है। देखिए यहाँ पे ना काम चल रहा है, आप प्लीज जाइए बाद में आइएगा ठीक है? हाँ हाय देखा तो हमने नहीं। हाय हेलो पलक जावेद जावेद पलक गुत्थी 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 कपिल कपिल गुत्था पलक पलक गुत्थी गुत्थी ऑडियंस जी सिद्धू जी गुत्थी सिद्धू जी गुत्थी गुत्थी सिद्धू जी पलक गुत्थी कपिल जी ऑडियंस डायरेक्टर प्रोड्यूसर लाइटमैन
आ जाइए बराबर की चोट। अब कर बात सिद्धू जी। हा सिद्धू जी जावेद जी, मैंने आपके लिए एक सॉन्ग तैयार किया, वो मैं आपको डेडिकेट करना चाहूंगी। उधर जाके सुनाइए आप प्लीज, उधर जाके सुनाइए। चलिए खड़का दे, खड़का दे। सॉन्ग खड़का रही हूँ। खड़काओ खड़का। आप आए हैं इस बगिया में, आप आए हैं इस बगिया में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जावेद जी का डांस देख के, जावेद जी का डांस देख के, गिद्दा पाने को करता मेरा मन, गिद्दा पाने को करता मेरा मन, बारी वर्षी खटन गया सी, खट के ले आंदा टोल, बारी वर्षी खटन गया सी, खट के ले आंदा टोल, बोल बेबी बोल, जावेद जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं ना आपकी इतनी ज्यादा फैन हूँ, इतनी ज्यादा फैन हूँ। दीदी हाँ। सबसे बड़ी फैन मैं हूँ। तू बड़ी फैन है, तू पवन चक्की है। मैं बड़ी फैन हूँ, ये बड़ी फैन नहीं है। नहीं मैं बड़ी फैन हूँ, मैं बड़ी फैन हूँ, मैं हूँ, मैं फैन हूँ, मैं बोलो मैं हूँ, मैं इस मुद्दे पे तो बात कर रहे हैं हम लोग, फिर कंपटीशन कर लेते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया, कंपटीशन कर लेते हैं। क्या करें, मतलब डांस करें कि गाना गाएं? कुश्ती। बहुत बहुत शुक्रिया। वार छोड़ना यार, कैसा टाइटल रखा आपने, हमारे घर में वार करवा दिया। जावेद भाई सोहा जी, वैसे ये सब कुछ जो हुआ पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? जोर से लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना लोग यहाँ पे हंसे, अगर हमारी फिल्म ऐसे हंसेंगे तो इट विल बी अ सुपर हिट। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी फिल्म को उतना ही प्यार देंगे और उतना ही हंसेंगे सिनेमा घर में जाके। और आप लोग भी 11 अक्टूबर को जाइए, देखिए वॉर छोड़ना यार, और पूरी दुनिया में ये मैसेज फैला दीजिए कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, प्यार करिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए। लड़ाई झगड़े में रखा क्या बाबा जी का ढूंढ, कुछ नहीं रखा। तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर्स। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.